हेलो फ्रेंड्स, ये वंडर कट कंपनी का ड्रिलिंग मशीन है। कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था और इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, लेकिन तभी मेरे पास ड्रिल बिट नहीं था इसलिए मैं आपको इसे यूज करके नहीं दिखाया था। लेकिन आज मेरे पास ड्रिल बिट है तो मैं आपको इस ड्रिल मशीन को यूज करके दिखाऊंगा ये जो ड्रिल बिट है ये अच्छे से किस में वर्क करता है, या लकड़ी में अच्छे से वर्क करता है, या फिर कंक्रीट में, या फिर लोहे में, या फिर तीनों में अच्छे से वर्क करता है। और मैं आपको डिफरेंट साइज का ड्रिल बिट को आपको यूज करके दिखाऊंगा कि ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि ये जो ड्रिलिंग मशीन है वो आपके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम इस ड्रिलिंग मशीन को वुड में यूज करके देखेंगे, यानी कि लकड़ी में यूज करके देखेंगे। मेरे पास तीन ड्रिल बिट है, 8 mm, 6 mm और 4 mm। इसमें जो अभी हम ड्रिल बिट लगाए हैं वो 8 mm का है। यदि आप कहीं पर होल करते हो, छेद करते हो, तो लार्ज mm का होल करने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगा, इसीलिए हम सबसे पहले 8 mm का लगाए हैं। और यदि इससे आप आसानी से होल कर पा रहे हो, यानी कि मोटा होल आसानी से कर पा रहे हो, इसका मतलब ये श्योर है कि आप पतला होल जो है आसानी से ही कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले हम मोटा यानी कि 8 mm बिट को लगाएं, और जैसा कि आप देख रहे हो ये बहुत ही आसानी से होल कर पा रहा है। मैं आपको इसे आर पार करके दिखाता हूँ। ये बहुत ही मोटा लकड़ी है और बहुत ही हार्ड है, उसके बावजूद भी ये आसानी से आर पार होल कर पा रहा है, और मैं सिंगल हैंड को यूज कर रहा हूँ। आप इस ड्रिलिंग मशीन की स्पीड को देखना कि ये कितना स्पीड में ये लकड़ी में होल करता है, और ये लकड़ी भी जो है बहुत ही हार्ड है, उसके बावजूद भी ये बहुत ही आसानी से होल कर दे रहा है। आप इसका स्पीड देख सकते हो। मैं आपको टेढ़ा होल करके दिखाता हूँ, और ये बहुत ही आसानी से होल करता है। अब हम इसके ड्रिल बिट को चेंज करते हैं और इसे हम आयरन में यूज करके देखेंगे। अब हम इस ड्रिलिंग मशीन के ड्रिल बिट को चेंज करके इसमें आयरन में यानी कि लोहे में होल करके देखेंगे ये इसमें अच्छे से होल करता है या फिर नहीं होता है। इसमें जो बिट लगा हुआ है अभी 6 mm का है। मेरे पास आयरन का जो बिट है होल करने वाला वो 6 mm का है, 4 mm का है, 2 mm का है। तो सबसे पहले हम 6 mm का इसमें यूज करके देखते हैं। यदि इससे नहीं होल हो पाएगा तो यहाँ पे हम इसके बीट को चेंज करेंगे, small mm के बीट को इसमें लगाएंगे। और जब भी आप इसमें लोहे में होल करते हो उसमें थोड़ी थोड़ी देर पे पानी देते रहना, क्योंकि जब आप लोहे पर होल करते हो तो इसका जो हीट है वो बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, तो इसका जो बीट है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए बीच बीच में इसमें वाटर देना होता है। इस ड्रिलिंग मशीन के द्वारा जो इसमें होल हो रहा है, इस लोहे में होल हो रहा है, वो बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। मैंने इस वीडियो को 4x के स्पीड में कर दिया है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं ये कितना होल हुआ है। यदि इससे होल नहीं हो पाएगा तो हम इसके बिट को चेंज करेंगे, उसके बाद होल करके देखेंगे। ये आप देख सकते हो इसमें जो लोहा है वो उसमें बहुत ही कम छेद हुआ है। तो चलिए अब हम इसके ड्रिल बिट को चेंज करते हैं और यहाँ पर हम 4 mm का ड्रिल बिट को लगाते हैं। उसके बाद हम इसके द्वारा ट्राई करके देखेंगे ये होल कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। अब हम 4 mm के ड्रिल बिट को इसमें हम यूज कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा इसमें ये कितना होल हुआ है। मैं आपको पूरी नज़दीक से दिखाऊंगा कि कितना होल कर पाया है, और वीडियो जो है वो 4x के स्पीड में चल रहा है। इस ड्रिलिंग मशीन के द्वारा शायद लोहे में होल करना असंभव है, या फिर यदि आप इस ड्रिलिंग मशीन के द्वारा होल करोगे लोहे में तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा, या फिर पतले लोहे में या फिर कमज़ोर लोहे में आप इसमें इससे होल कर सकते हो, लेकिन इससे होल करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इतने देर लगाने के बावजूद भी ये बहुत ही कम होल कर पाया है, और इसमें हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी भी दे रहे हैं, और इसका जो वीडियो है वो 4x के स्पीड में चल रहा है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि ये कितना होल कर पाया है। ये अभी तक बहुत ही कम होल किया है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना होल किया है। तो अब हम इस सारे सामान को साइड करते हैं। अब हम यहाँ पर ड्रिल बिट को चेंज करेंगे। हम लगाएंगे कॉन्क्रीट वाला ड्रिल बिट। मेरे पास टोटल 4 टाइप का ड्रिल बिट है, 2 mm, 4 mm, 6 mm और 8 mm। तो सबसे पहले हम 4 mm ड्रिल बिट को यूज करेंगे, और इस ड्रिलिंग मशीन के साथ जो ड्रिल की दिया गया है ड्रिल बिट को टाइट करने के लिए उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, वो तोत घिस गया है, आप देख सकते हो। अब हम इस ड्रिलिंग मशीन को इस ईंट पे होल करके देखेंगे, और यहाँ पे हम small mm का ड्रिल बिट को इसलिए यूज किए हैं पहले, क्योंकि ये जो ड्रिलिंग मशीन है वो सिंपल ड्रिलिंग मशीन है, यानी कि सिंपल होल करने वाला मशीन है। और कॉन्क्रीट पर जब आप होल करते हो, किसी ईंटे पर होल करते हो, उसमें आपको ज़रूरत होता है हैमर ड्रिलिंग मशीन। कॉन्क्रीट पर होल करने के लिए हैमर ड्रिलिंग मशीन का यूज होता है, इसीलिए हम पतले ड्रिल बिट को यूज करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम 4 mm का ड्रिल बिट को यूज कर रहे हैं तो ये आसानी से होल कर रहा है, यानी कि आप पतले हो, यदि आपके घर में पतला होल करना है तो आप इस ड्रिलिंग मशीन को खरीद सकते हो। 4 mm के 4 mm तक का ड्रिल ये आसानी से कर पाता है।
और अब हम इसकी ड्रिल बिट को चेंज करेंगे और एट और ये जो है ये 6 mm का ड्रिल बिट है, इसे हम यूज करके देखते हैं ये इससे होल कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। अभी इस ड्रिलिंग मशीन में 6 mm का कंक्रीट होल करने वाला ड्रिल बिट लगा हुआ है। ये होल तो कर पा रहा है ईंट में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे होल कर रहा है। तो लास्ट में रिजल्ट यही निकलता है कि इस ड्रिलिंग मशीन के द्वारा आप लकड़ी में 10 mm तक का होल आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कंक्रीट में होल करते हो, ईंटी में होल करते हो, तो 4 mm तक का ड्रिल आसानी से होल कर सकते हो। उसके बाद ये होल करने में बहुत ही परेशानी करता है। और यदि लोहे में होल करना है तो 2 mm तक का होल कर सकते हो, यदि आपका लोहा सॉफ्ट हो तो। यदि हार्ड हो लोहा तो आप उसमें होल नहीं कर पा सकते हो, होल नहीं कर सकते हो इस ड्रिलिंग मशीन के द्वारा। मैंने आपको इस ड्रिलिंग मशीन के द्वारा सारा चीज़ करके दिखा दिया। और ये ड्रिलिंग मशीन हीट भी हो रहा है ये करने के बाद, वैसे तो हर एक ड्रिलिंग मशीन हीट होता है यूज करने के बाद। यदि आपको ये ड्रिलिंग मशीन पसंद है तो आप इसे परचेज कर सकते हो। यदि आपके घरों में छोटा सा काम होता है तो आप इसे परचेज कर सकते हो। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।